हेलो दोस्तों, ये फ़ोन जियो का है और ये फुल सॉर्ड है। मॉडल है इसका f90। ठीक है, तो ये फुल सॉर्ड दिखा रहा है और ये डेड सेट है। कंटिन्यूटी चेक करने पे ये फुल शॉट दिखा रहा है। ठीक है, तो इसकी फुल शॉटिंग हम हटाएंगे और इस सेट को ऑन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हमें खोल लेना है फ़ोन को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले यहाँ पे ये बैटरी कनेक्टर जो लगा है इस जगह पे, यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। ठीक है, अगर इस जगह से ये जैसे कि ये आईसी है और ये कंपोनेंट वगैरह ये जो लगा हुआ होते हैं, यहीं सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम और जो सॉर्डिंग होती है वो यहीं से आती है। ठीक है, उसके बाद फिर पावर आईसी के पास जो पेपर कंडेंसर होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, वहाँ सॉर्ट हो जाते हैं तो सेट डेड हो जाता है और नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आप इस जगह पे चेक कर लें। ठीक है, ये कंपोनेंट ये हर जगह सॉर्टिंग बता रहे हैं, तो ये और ये पहले आप कर लें रिपेयर। ठीक है, इनको रिमूव कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको रिमूव कर देते हैं हम। और इसको अच्छे तरीके से साफ कर लें और फिर चेक करें आप। सॉर्टिंग दे रहा है, तो आप इस वाले जो छोटी सी जो आई सी लगो भी है इसको आप रिमूव करके देख लें। ठीक है दोस्तों, ये रिमूव कर दिए मैंने, ये तीन पिन की आईसी होती है ये। ठीक है,
ओके, तो इसको हटाते हैं, इसको रिमूव कर दिया है। अब मीटर से चेक करेंगे, ये जियो फ़ोन के टोटल जो फ़ोन आए हैं उसमें ग्राउंड ये वाला होता है और ये प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर ले, देखो यहाँ पे सॉर्डिंग नहीं दिखा रहा है, ओके। सॉर्डिंग हट गई है। अब अपना सेट ऑन करके देखते हैं इसको, यही दो जगह से ज़्यादा फ़ोन में सॉर्डिंग आती है, ओके। तो हम इसको सेट को ऑन करके देखते हैं कि सेट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है सॉर्डिंग हटने के बाद भी। ओके दोस्तों, सेट ऑन हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जियो का कोई भी मॉडल हो, सबसे पहले आप बैटरी कनेक्टर के पास चेक कर लें कंपोनेंट, अगर शॉर्ट हैं तो उसको रिमूव कर दें। और ये डायरेक्ट इससे ऑन कर रहा हूँ, इस वजह से ये पूरा सेट ऑन नहीं हुआ। फिलहाल ये सेट ऑन हो जाएगा इसकी बैटरी से, ठीक है। जियो का कोई भी मॉडल हो, पहले आप बैटरी कनेक्टर के पास चेक कर लें। बैटरी कनेक्टर के पास अगर कहीं शॉर्टिंग है तो उसको रिमूव कर दें, पेपर कंडेंसर जो भी ये आई सी छोटी वाली, और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी सेट आपका ऑन हो जाएगा और चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू।